Hello and Assalamualaikum, it's your girl Basic Basirat and I am back with another video. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. I have been MIA, but सबसे पहले दराज की बारह बारह सेल की तरफ चलते हैं, जो कि ये है मेरा वाटर कलर सेट जो कि मैंने मंगवाया था फॉर अबाउट 1400 समथिंग. ये इतना कोई अच्छा है, ये आम वाटर कलर्स की तरह नहीं है. आम एक तो आपको बाजार पे मिलते हैं गोल गोल केकी वाले, उसका एक तो पिगमेंट ख़राब होती है और कलर भी इतना अच्छा नहीं होता और वो सब आपका पेपर वेपर ख़राब कर देता है. लेकिन ये वाला दिस इज़ समथिंग एल्स. मैंने पहले भी मंगवाया था, वो अलग कंपनी का था. ये देखें, इसमें पीछे उन्होंने एक होल्डर दिया हुआ है कि आप पेंट करते हुए इसको पकड़ सकें. तो इसमें हैं टोटल 24 कलर्स और मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे दिखते हैं. इन्होंने ये हमें मिक्सिंग पैलेट भी दिया हुआ है कि आप अपने वाटर कलर वगैरह ब्लेंड करें, मिक्स करें. तो अगर आपको पता नहीं हो तो ऐसे हाईली पिगमेंटेड वाटर कलर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले इनके ऊपर स्प्रे पेंट करना होता है, ताकि ये अपना मतलब अच्छे से कलर और पेपर पर जब आप करें दिखा सकें. और वाटर कलर में पेपर की क्वालिटी भी मैटर करती है. और सेकंड ऑफ ऑल, आप वाटर कलर पेपर लो, आम पेपर नहीं. आम पेपर पर वाटर कलर करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा रिप होता जाएगा. सॉरी फॉर दैट. एंड या जैसे कि आप देख रहे हो साइड बाय साइड, एक तरफ मैं इन वाटर कलर को टेस्ट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ बना के, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने कलर्स हैं. येलो वाला इसका थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, लेकिन उसके अलावा काफ़ी अच्छे हैं. मैंने जो पहले मंगवाया था उसमें पिंक पर्पलिश कुछ नहीं था, सिंपल नॉर्मल जो कलर्स होते वो थे. और इन्होंने कैलीग्राफी वाला पेन भी दिया हुआ है जिसके ब्रिसल्स काफ़ी स्टिफ हैं, बट मैं इसको अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले भी थे और मैंने उनको लाइक काफ़ी ख़राब कर चुकी हूँ. तो अभी इनको थोड़ा बाद के लिए स्टोर करते हैं. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मुझे नहीं आता कुछ, मैं सीख रही हूँ सब. और मुझे बहुत बहुत एक्चुअली पसंद है पेंट और आर्ट्स, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है. तो मैंने कहा चलो अगर सेल लगी है तो क्यों ना मैं मंगा लूँ, क्योंकि नॉर्मली आर्ट सप्लाइज आर एक्सपेंसिव एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ डील यू शुड बाई इट. मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको नहीं लेना ना लें. खैर, इसमें दो स्पंजेस भी दिए हुए हैं कि आपका पेंट अगर ब्रश में ज़्यादा आ जाए पानी वगैरह तो आप उसको उसमें एब्जॉर्ब कर सकें. मूविंग ऑन, इसके अलावा मैंने एक्रेलिक कलर्स भी मंगवाए. ये वो वाले नहीं, ये पहले मंगवाए थे मैंने. मैं दिखा रही हूँ एक रेफरेंस के लिए, ये 30 ml की बॉटल है. लेकिन अभी जो मंगवाए हैं ये 6 एक पैकेट है और ये भी 400 से 500 के दरमियान ही थे. मैं प्राइसेस सब स्क्रीन पे अभी डाल दूँगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब अफोर्डेबल थे. तो इनको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, इनको भी देखते हैं. सबसे पहले तो ये भी सारी 30 ml की दोनों ही बोतलें, वो मेगा की है और ये मैरीज की है. मैरीज के पेंट्स मैंने ट्राई किए लेकिन पहले छोटी ट्यूब वाले किए थे, उसमें काफ़ी शेड्स थे लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे. तो मैंने कहा चलें मंगा के रख लेते हैं, अभी पेपर्स के बाद प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी आर्ट्स की तो उसमें काम आएगा. तो दराज की बारह बारह डील से मैंने ज़्यादातर ये स्टफ़ मंगवाए हैं. और फिर हमारे ब्रशेज हैं. अच्छा, इसको आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द कंपनीज नेम, बट इसी कंपनी के मैंने पहले वाटर कलर मंगवाए थे. और इसमें देखिए काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके ब्रशेज में, छोटे वाले ब्रशेज भी हैं, उसके अलावा फेदर ब्रश भी है. और इन्होंने पीछे दिया हुआ है कि किस ब्रश से आप क्या मतलब यूज़ कर सकते हो, किस लिए कैसे पैटर्न बना सकते हो. तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है. ये वो कंपनी है जॉर्जियन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, सॉरी फॉर बचरिंग इट. और अभी इनमें से भी मैं एक दो ट्राई करूँगी. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जैसे कि आपके वाटर कलर पेपर को भी थोड़ा सा पानी चाहिए होता है ताकि आपके कलर्स और उभर के आएँ, वाइब्रेंट हों, तो इसलिए वो एब्जॉर्ब भी करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो इसलिए सबको हमने पहले
पानी से स्प्रे किया ना, ज़्यादा पानी से भी फटने लगेगा, तो यू हैव टू अवॉइड दैट। और अब हम इनको टेस्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे और थिक, इनकी थिक स्ट्रक्चर और कोई ऐसी गंदी टॉक्सिक स्मेल भी नहीं थी जैसे अक्सर पेंट्स में आती है। और इसमें जैसे मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये हुआ है, एंड यू हैव टू अवॉइड दैट। सो दिस वॉज द एंड रिजल्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप बताएं आप परचेस करेंगे कि नहीं, सब कमेंट सेक्शन में आगे मुझे बताएं। और मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी दराज की 12-12 सेल से मंगवाए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो चुकी है। सो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपने क्या लिया, क्या सेल के बारे में आपको पता था, आपने कुछ परचेस किया या नहीं, क्या राय है आपके दराज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बेसिक बसीरत